हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा और ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एवरी जॉडिक के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लैनेट्स कंजक्ट कर रहे हैं, कुछ नियर बाय हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल में लेकर आई हूँ इस वीक के बारे में, ठीक है। एंड ऑफकोर्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि जो ये रीडिंग्स हैं ये आपको और रेजोनेट करें। और आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर, जो ये रीडिंग्स हैं आप अपने असेंडेंट से देखेंगे तो और आपको रिलेट करेंगी। असेंडेंट से मेरा मतलब है जो आपकी कुंडली में जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट साइन होता है, दैट इज़ योर असेंडेंट। एल्स आप जिस भी जॉडियक से अपने आप को रिलेट करते हैं आप उससे भी देख सकते हैं। एंड सेकेंडली थिंग गाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ आप इस बात पे ध्यान दें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कोई लड़की है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हर एक वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट की हुई है तो उनको कमेंट कर रही है। सी कोई इश्यू नहीं है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने सवाल किए हुए हैं। अगर आप ऐसे रैंडमली किसी से भी पूछ लेंगे अपने सॉल्यूशंस के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो हेल्प करेगा। आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, आपको मुझसे कंसल्ट नहीं करना है, किसी और से कंसल्ट करना है, गो अहेड, बट मेक श्योर आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं, कि वो आपको ज़्यादा गाइड कर पाएगा। वो आपके सारी चीज़ों को देखेगा, कंसिडर करेगा, आपके प्लैनेट्स, आपके नंबर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। और वो लड़की हर जगह कमेंट कर रही थी। सी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बिजनेस जो भी है आप करो, आप कंसल्ट करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन प्लीज़ अपने पेज पे, अपनी कम्युनिटी पे, अपने किसी यूट्यूब चैनल पे, मेरे यहाँ पे आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, ऑफ कोर्स दीज आर पेड कंसल्टेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर है। और मेक श्योर आप प्रोफेशनल के पास ही जाएं, ठीक है। और जब भी हम फ्री के चक्कर में इधर उधर भागते हैं ना, तो चीज़ें ना आपको मिसगाइड ज़्यादा कर देती हैं। तो मेक श्योर यू अप्रोच टू राइट पीपल, ठीक है। सो दैट्स इट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव गो। सो लेट्स सी आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। सो वर्गोस, कहीं ना इस वीक अपने दिमाग को आप खुला रखें, ठीक है, क्योंकि आपको नए आइडियाज़, नई सोच, सॉल्यूशंस आ सकते हैं इस वीक। कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग, रिसर्च, किसी भी चीज़ का आप बेनिफिट इस वीक निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नए आइडियाज़ आएंगे और वो इतने ब्यूटीफुल आइडियाज़ होंगे कि वो आपको कहते ना आप कुछ भी कर सकते हैं उससे। एंड कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप ट्रैवल करें, कहीं अर्ज उठेगी कहीं ना कहीं कि यार मुझे ट्रैवल करना है। एक इट्स नॉट अबाउट ट्रैवल, आपके अंदर हर एक चीज़ की सडन डिज़ायर होएगी, मैं ये खा लूँ, मैं ये खरीद लूँ और मैं ये चीज़ कर लूँ, तो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रही है। और स्पेशली ये चीज़ आप कर भी रहे हैं और कर भी लेंगे, एंड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और हो सकता है कि इस वीक कुछ लोग ना आपको अपनी ही प्रॉब्लम्स आपको सुना रहे होंगे, जैसे कि आपके ही कोई फ्रेंड्स होंगे, बैठे होंगे आपस में और अपने बारे में ही शुरू हो जाएं, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी इरिटेट कर सकती है इस वीक, ठीक है। बाकी तो मुझे इस वीक सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है आपके लिए, नो डाउट, सब कुछ चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में हैं, नए आइडियाज़, तो थोड़ा इरिटेट होने से बचें, ठीक है। और कम्युनिकेट करते हुए भी मुझे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं आप, मतलब आप क्या, सेवन ऑफ वॉन्ट, तो कहीं ना कहीं अपने काम में लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ चीज़, लवर्स का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। सो इट्स ऑल अबाउट लव, एम्पैथी, अगेन कुछ गाइडेंस मुझे आपको आती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ट, ऑल अबाउट ऑथोरिटी, स्पार्क दिख रहा है मुझे, लॉट ऑफ फायर आई एम सीइंग वर्गो, लॉट ऑफ फायर। और कहीं ना आप ना इस वीक ना जैसे कहते हैं ना, सब चीज़ करने वाले हैं, सब चीज़ काम भी कर रहे हैं
और अगर आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो उनके आइडियाज़ भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आ सकते हैं इस वीक। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए आने वाले वीक में कौन सा नंबर लकी रहेगा। 33, अगेन 33 इज एंजल नंबर, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस नंबर को यूज़ करें। 6 नंबर हार्मनी का कार्ड है, लव का कार्ड है, लव का कार्ड ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो इस वीक थोड़ा प्यार पे भी ध्यान दें। ठीक है, अपनी लव लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखिए, खुला रखिए। सी मैंने आपको बताया था, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं कोई आपकी कंफर्ट जोन में आ रहा है यू नो आपसे, तो थोड़ा सा टाइम ले लें, अपने लिए स्पेस बनाएं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे फोकस करें कि जो भी टाइम है थोड़ा टाइम अपने आप पर भी दें। ठीक है, दिस इज सेल्फ लव कहते हैं। लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या डेक से क्या? हाइड्रेट, तो मेक श्योर यू हाइड्रेट योर सेल्फ वेरी वेल, पानी पिए, खूब सारा पानी पिए। ठीक है, और अपने हाइड्रेशन लेवल को चेक करते रहिए। या यू नो कभी कभी होता है हम काम कर रहे हैं हम पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो मेक श्योर यू हाइड्रेट योर बॉडी वेल, नरिश योर बॉडी वेल इन दिस वीक। सो दैट्स इट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये इमोशंस का भी बता रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट वर्गोज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।